लेती हूँ, फिर स्टॉप करके सो जाती हूँ। हाँ फिर स्टॉप करके सो जाती हूँ। फिर कब उठते हैं सोना? आपको लगता है कि आप बेस्ट स्टूडेंट हैं हरियाणा के? यस सर। यस और नो? यस सर। इस केस में आवाज कम होगी, पता है क्यों? जैसा मैं बोलेंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। ओके ओके, समझिए बोला जैसा कि बोलेंगे वैसा आउटपुट आएगा। एनी अदर थिंग, जैसे हम यूनिक है, हमारी क्लास का हर बच्चा यूनिक। एक विजुअल जो आप दिखाते हैं उसकी उसमें उतनी ही इंटरप्रिटेशन हो सकती है उस विजुअल की जितने आपकी क्लास में बच्चे हैं। एक पोइट्री आप पढ़ा रहे हैं हिंदी में इंग्लिश में, आपने वही व्याख्या पढ़ी है तो प्रीटी में लिख के दे दी, बच्चा कुछ अलग सोच रहा है आपका। माय डियर फ्रेंड्स, बच्चा आपसे अच्छा सोच सकता है। तुम्हारे चल के आने की स्टाइल से पता चल जाता है कि तुम किस तरह की आगे जाओ। फिर स्लाइड साइड की फोटो कैसे आओगे? दोबारा college and all other respected faculty members and lovely students here. It's always an honor to interact with students. Our life as teachers, मेरे ख्याल से हिंदी में ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारी जो पूरी जिंदगी से इस वर्कशॉप के बारे में जाना, तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी साथ में नहीं है विद CCPC, MBU एंड नांदी फाउंडेशन। देन अ हार्टफेल्ट थैंक्स टू आर वर्दी मैनेजमेंट हु ऑलवेज सपोर्ट अस फॉर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। बिफोर हैंड हम कुछ प्रपोजल लेकर के जाते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस। तो उनकी परमिशन के बिना इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर अस टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी। सो थैंक्स टू आर वर्दी मैनेजमेंट। A heartfelt thanks to Ma'am Divya Malhan for joining us today, as Ma'am has invitation from other three departments, but Ma'am decided to be a part of this program. Thank you, Ma'am. Jyoti, the coordinator for the placements of this college, and all other respected faculty members and lovely students here. It's always an honor to interact with students. Our life as teachers, मेरे ख्याल से हिंदी में ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारी जो पूरी जिंदगी सुबह आपने मैंने से इस वर्कशॉप के बारे में जाना, तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी साथ में नहीं है। विद CCPC, MBU एंड नांदी फाउंडेशन। देन अ हार्टफेल्ट थैंक्स टू आर वर्दी मैनेजमेंट हु ऑलवेज सपोर्ट अस फॉर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज।
बिफोर हैंड हम कुछ प्रपोजल लेकर के जाते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस. तो उनकी परमिशन के बिना इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर अस टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी. सो थैंक्स टू आर वर्दी मैनेजमेंट. अ हार्टफेल्ट थैंक्स टू मैम दिव्या मल्हान फॉर जॉइनिंग अस टूडे, एज मैम हैज इन्विटेशन फ्रॉम अदर थ्री डिपार्टमेंट्स बट मैम डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. थैंक यू मैम. In life, first, stop following people. आगे जाओगे आप स्लाइड साइड की फोटो. जैसा मैं बोलेंगे वैसा ही आउटपुट आएगा. ओके, समझते हो ना? जैसा आउटपुट आएंगे वैसा आउटपुट आएगा. एनी अदर थिंग, जैसे हम यूनिक है, हमारी क्लास का हर बच्चा यूनिक. एक विजुअल जो आप दिखाते हैं उसमें उतनी ही इंटरप्रिटेशन हो सकती है उस विजुअल की जितने आपके क्लास में बच्चे हैं. एक पोइट्री आप पढ़ा रहे हैं हिंदी में इंग्लिश में, आपने वही व्याख्या पढ़ी है तो प्रीटी में लिख के दे दी. बच्चा कुछ अलग सोच रहा है आपका, माय डियर फ्रेंड्स, बच्चा आपसे अच्छा सोच सकता है. आपको लगता है कि आप बेस्ट स्टूडेंट है हरियाणा की? आवाज कम होती क्यों? हमें किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है और हमारा इंट्रोडक्शन हम
learn new things. Sorry? Never get tired to learn new things. Never get tired to learn new things. Okay, but it is possible to learn. आपको जाने की हम क्या है, राइट? डू दिस,
कर लीजिए चेंज। स्लिप को खोलेंगे नहीं, नो वन विल एवर ओपन द स्लिप। टीचर्स को तो जानते हो, प्रिंसिपल मैम को दे दो। बाहर स्लिप को खोलेंगे नहीं, स्लिप पे नेम लिखा हुआ है, नेम के साथ ही लिख देंगे। वो दिखाएंगे नहीं आपने क्या लिखा है। Thank you.
अरे निकल तो रह गया बाहर। खाली है। वीडियो दिखाता हूँ गोड ब्राह्मण की, आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगी। एक मिनट, 5 मिनट्स लगा करके। हम लर्निंग में डाल सकते हैं ना कि हम बच्चों से क्या सीखते हैं, कुछ भी नहीं। नहीं, बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है? बच्चे का लर्निंग स्टाइल அந்த படு करके अंदर में इसी तरह रखा हूँ। क्या है लेकिन आजकल हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे
तो बच्चों को हम टाइम नहीं देंगे तो एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार तो होंगे। और जब उनके अंदर स्मार्ट स्क्रीन से ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, फोन से कनेक्टेड होंगे, जब वो क्वेश्चन उनके दिमाग में एक के बाद एक आते हैं तो उनका आंसर उन्हें नहीं मिलता, तो ना तो वो अपने टीचर्स की ना वो एक और कारण होता है आजकल सिंगल चाइल्ड रहते हैं, सिबलिंग्स नहीं होते, तो वो भी एक कारण है बच्चे का एंग्जाइटी और डिप्रेशन का। और लैस कम्युनिकेशन होती है क्योंकि पहले बाहर खेलते थे बच्चे, अब घर के अंदर से इन्हीं एंड्रॉयड फोन पर उनसे कनेक्टेड होते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन भी कम हो चुकी है। और मोर लॉजिकल हर चीज़ में क्वेश्चन हाय व क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं है, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और एक कारण और होता है कि पॉवर्टी, बच्चों में जैसे गरीबी होती है, एक कारण कि बच्चे members who have prepared this with me are trying to explain
So, in learning that a child can learn different things from different types. First of all, visual means they can see and they can learn. Like they can see, they can see their parents and they can learn from them. Teachers, parents, friends. If they learn bad habits, that is their environment. Speaking. अगर वो अपने आसपास की चीजों को देखते हैं तो वो वहीं से सब कुछ सीखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है विजन. उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिक. जो हम बोलेंगे वो उन्हें समझेंगे, उसी को फॉलो करें. अगर हम करेंगे कि हम किसी से आप करके बात करेंगे तो वो किसी की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे. अगर हम कहते हैं कि आपकी मम्मी ऐसा करती है, आपके पापा ऐसा करते हैं, तो वो आपके लिए एक रिस्पेक्ट क्रिएट करें और आपका बच्चा भी आपको आप करके बोले. सेकेंड थर्ड आता है फैमिली. इसका मतलब होता है हमारी मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, जेस्टर्स. अगर हम किसी को नमस्ते कर रहे हैं तो वो नमस्ते करना सीखेंगे. किसी को ऐसे अगर हम प्रोफेशनल में किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो वो बोल सकते हैं. अपनी बात में सुनना भी बड़ी अच्छी लगती है. हम अपनी बात को सुनने के लिए कहते हैं कि हमारी बात सही है, आपकी बात गलत है. सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं आजकल के बच्चे. हम भी पसंद नहीं करता रहता, लेकिन वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं सुनना. वो पॉइंट बाय पॉइंट है ना, समय का है पॉइंट बाय पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज एंटरटेनमेंट. आपको कुछ बच्चे हैं वो किस टाइप की एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उसी बच्चों का मेंटल हेल्थ आपको लगता है गड़बड़ाया हुआ है? ये सुन लो, अभी बात करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स. तो बच्चा किस एनवायरनमेंट में रहता है उसकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है. और सेकेंड पॉइंट है एजुकेशन में रूटीन प्रैक्टिस. बच्चा किस मम्मी बैकग्राउंड से आता है और पेरेंट्स को जो किसी कमी होती है उसकी वजह से उसको बहुत इंसीस करने लगे हैं. थर्ड पॉइंट स्कोरिंग टेक्नोलॉजी एंड स्क्रीन टाइम. आजकल घर में लोग फोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसी वजह से बच्चा टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करता है. यस, बच्चा बता देगा मैम आपका इंस्टा ऑनलाइन का है एक्टिव नाउ. यस सर, वो बच्चों को पता है ऑफ भी हो जाता है, बच्चों का ऑफ मिलेगा. अगर मोबाइल डेटा हो गया ना आपका तो व्हाट्सएप भी आपको एक्टिव ना देगा, दिखा देगा ऐसे ही ना. अब आजकल तो वहाँ भी फीचर आ रखा है नो वन वाला. First of all, this new generation alpha believers believe in that we are smart, we are cool. You do you and we, I do me. Right? So rather than listening to others, they are very self-aware. Instead of taking this point as if they are very overconfident, we should think that they are very self-aware. So this is a very good and plus point about today's generation, of the new generation. Next is that their learning style. So they prefer more realistic approach, okay? More smart approach, that is through PDF. When they know that they are spending most of their time on a particular gadget, then why not use all their work on through that gadget only? That is why we learn through PDFs. Why not we make PPTs? So PPTs and generation hai. Usko kya kya jo challenges hai, kya face karne pad rahe hain, kya unka learning style. सबसे पहले हमने एक ग्रोथ चार्ट बनाया है, उससे हमने शो कराया कि एक गर्ल है जो अपना लैपटॉप से भी ऑनलाइन स्टडी कर रही है और पेन पेपर से ऑनलाइन स्टडी कर रही है. तो बच्चे आज के टाइम पे जो जनरेशन है वो दोनों बहुत जो बहुत मीडियम्स है उससे स्टडी करते हैं. ऑनलाइन भी क्लासेस होती है हमारी जूम वगैरह पे, या फिर ऑफलाइन अपने स्कूल कॉलेजेस में जाकर मिलते हैं. तो सबसे पहले मेरी जो फेलो है वो एटीट्यूड के बारे में आपको बताएंगे. काफ़ी कुछ ऐसे
उनके अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को समझने के लिए सीखने के लिए, तो बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए कि वो कुछ और सीख के आगे आए, कुछ अच्छा डेवलप करें। देखा जाए तो वो काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड आउट करते रहते हैं अपने आस पास में कि क्या चीज़ें नहीं चाहिए उनको सीखनी चाहिए। क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी बच्चों को क्रिएटिविटी होती है क्योंकि आस पास क्या चल रहा है, क्या हम नया सीख सकते हैं, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं उनके अंदर, क्या वो अपने स्टडी में इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग से जो चीज़ों को पसंद है उनका अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सब छोटे होते कुछ पेंटिंग क्रिएटिव होते हैं, कुछ स्टडीज में होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। फीस वो देना, प्रोजेक्ट्स को देखना, देख कर काम करना, तो बंजर को नोट बनाना है देखना, सब बहुत अच्छा लगता है। बातें करना और खुद सेल्फ सेंटर होके वो चीज़ें करना पसंद करते हैं, खुद को अपने आप को खुद मोटिवेट को खुद कर लेते हैं। मैं जब फर्स्ट ईयर पेन से बात करने में तो बहुत डर लगता हूँ, क्योंकि उनको लगता है उनकी प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम सर है, उनकी क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, उन्हें हर चीज़ का आंसर चाहिए। चैलेंजेस है तो लैक ऑफ फोकस हो गया है, ये इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, उनका फोकस बिल्कुल जीरो हो गया है। ओवर कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट बहुत बुरा है। कोविड की वजह से हमने देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर देने लगे हैं अपना टाइम, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन, वो टेक्नोलॉजी से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। थैंक यू। डेडिकेटेड
उसी प्रोफेशन के लिए एटीट्यूड हो, होता पता क्या, जिस प्रोफेशन में है ना वो अच्छा नहीं लगता, किसी और प्रोफेशन में जाना चाहते, जहां पर है ना वो कुर्सी पसंद नहीं है, किसी और चेयर पर जाना चाहते, ये सुन लो और पूरा दिन ये सोचते रहते। फिर ये प्रेयर मत बोलो इतनी शक्ति हमें देना दाता, आप भगवान से स्ट्रेंथ मांगेंगे, भगवान मुझे वो स्ट्रेंथ देना कि मैं आने वाली जिंदगी में हर चैलेंज से लड़ पाऊं। ऐसा बोलो तो ये आया ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी स्लाइड पे ये सभी पॉइंट्स जो है एकदम आए, अलग अलग से आए। फोटो क्या करना, चाहिए ताकि अच्छे से हम अपना काम कर पाएं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जाना कि हम किसी भी प्रोफेशन में हैं तो हमें उसके बारे में नॉलेज, उसकी तरफ हमारा एटीट्यूड और उसकी तरफ हमें स्किल्स आने बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम एक ट्रू प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे, चाहे वो कोई भी जॉब हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो CA हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। दूसरा हमने ये जाना कि अगर हमें किसी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है तो हमें उसके लिए प्रेजेंटेबल भी बनना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम खुद प्रेजेंटेबल नहीं रहेंगे हम दूसरों को कुछ नहीं समझा पाएंगे, ना उनके साथ आई कॉन्टेक्ट बना पाएंगे, ना हम वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे। तो थैंक यू। सो मैंने आज प्रोफेशनलिज्म के बारे में सीखा, तो जो भी आपका प्रोफेशन होता है उसको आप पूरी डेडिकेशन और पैशन के साथ करना चाहिए उसको, और इसके अलावा स्टूडेंट्स को किस तरीके से उनको इंगेज करके क्लासरूम में हम उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ लव विद वर्क, हम जो भी कार्य करें वो सभी प्यार के साथ करना चाहिए। दिन में बहुत सारी चीज़ें सीखी, पर सबसे बेस्ट जो मैं बताऊँगी टीचर की डेफिनेशन, सर आपने बताई कि टीचर बच्चे को उस लेवल पे जाके जब सिखा देता है
तो वो डेफिनेशन मैं हमेशा याद रखूंगी एंड ऑल्सो दैट अ टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर। प्रोफेशनल के बारे में सीखा कि जो अपना सब्जेक्ट होता है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज मैंने सीखा कि हम जिस भी प्रोफेशन में हैं वहाँ पे हमें अपना 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। और इन द सेंस 100% सिर्फ आप अपना होनेस्टी से दीजिए, ईमानदारी से, कुछ भी चाहे हम पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं तो हमें ईमानदार रहना चाहिए। थैंक यू। मैंने सीखा कि सिर्फ PPT कट कॉपी पेस्ट नहीं होता है, उसके अंदर आपको अपना 100% देना चाहिए। इससे पहले मैं जब भी PPT बनाती थी तो कट कॉपी पेस्ट कर देती थी। अब मैंने देखा है कि हम कैसे उसको ज़्यादा प्रेजेंटेबल इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए और साथ में हमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें अपने फॉलो करने चाहिए और उसके बाद हमें क्या लोगों से फीडबैक भी लेना चाहिए ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सकें। अपने प्रोफेशन की तरफ लॉयल होना चाहिए क्योंकि जो हम अपने बेसिक प्रिंसिपल्स रखेंगे जब भी हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट अपना आउटपुट दे सकते हैं। सबसे मेन बात सर, मैंने कॉन्फिडेंस वाली बात जो है वो मैं सिर्फ वही बोलना चाहती हूँ कि इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था पहले मेरे अंदर कि मैं सच में बोल पाऊँ, लेकिन अब मैं इतनी कैपेबल हो गई हूँ कि मैं थोड़ा बहुत जैसे मुझसे बोला जाता है मैं वैसा बोल लेती हूँ। सर सीरियसली बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट गर्ल हूँ मैं। मैंने आज से पहले कभी भी शायद मैंने माइक में बोला इतने सारे लोगों के आगे, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था और ये मेरा बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। मैंने सबसे ज़्यादा यही सीखा है सर। किसका नहीं पता होता, हम जितना अपने बारे में जानते हैं उतना ही जानते हैं, हम ये सोचते हैं दूसरा हमारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं। जैसे सर ने जो हमने बनाया था अपनी क्वालिटीज देखी थी, अपने टीचर्स के साथ एक्सचेंज किया, अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज की थी, उससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी सारी क्वालिटी। मतलब ही क्या प्रोफेशनलिज्म से? What do you mean by professionalism? Passion for service. Passion for service, one of the quality. Kis person ko professional bolenge? Passion ko expert. Very good answer, person A. Jisko apne product ki, apne kaam ki expertise ho, all right? Aur dedicated hona chahiye. Ha? उसी प्रोफेशन के लिए एटीट्यूड हो। होता पता क्या, जिस प्रोफेशन में है ना वो अच्छा नहीं लगता, किसी और प्रोफेशन में जाना चाहता। जहां पर है ना वो कुर्सी पसंद नहीं है, किसी और चेयर पर जाना चाहता। सुन लो और पूरा दिन ये सोचते रहो। Now it's time
चाहिए ऑनेस्टी होनी चाहिए ताकि अच्छे से हम अपना काम कर पाएँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जाना कि हम किसी भी प्रोफेशन में हैं तो हमें उसके बारे में नॉलेज, उसकी तरफ हमारा एटीट्यूड और उसके तरफ हमें स्किल्स आने बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम एक ट्रू प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे, चाहे वो कोई भी जॉब हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो सी ए हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। दूसरा हमने ये जाना कि अगर हमें किसी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है तो हमें उसके लिए प्रेजेंटेबल भी बनना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम खुद प्रेजेंटेबल नहीं रहेंगे हम दूसरों को कुछ नहीं समझा पाएंगे, ना उनके साथ आई कॉन्टेक्ट बना पाएंगे, ना हम वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे। तो थैंक यू। सो मैंने आज प्रोफेशनलिज्म के बारे में सीखा। तो जो भी आपका प्रोफेशन होता है उसको आप पूरी डेडिकेशन और पैशन के साथ करना चाहिए उसको, और इसके अलावा स्टूडेंट्स को किस तरीके से उनको इंगेज करके क्लासरूम में हम उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग विद वर्क। हम जो भी कार्य करें वो सभी प्यार के साथ करना चाहिए। दिन में बहुत सारी चीज़ें सीखी, पर सबसे बेस्ट जो मैं बताऊँगी टीचर की डेफिनेशन, सर आपने बताई कि टीचर बच्चे को उस लेवल पे जाके जब सिखा देता है तो वो डेफिनेशन मैं हमेशा याद रखूँगी, एंड ऑल्सो दैट अ टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर। प्रोफेशनल के बारे में सीखा कि जो अपना सब्जेक्ट होता है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज मैंने सीखा कि हम जिस भी प्रोफेशन में हैं वहाँ पे हमें अपना 100% देने की कोशिश करनी चाहिए, और इन द सेंस 100% सिर्फ आप अपना होनेस्टी से दीजिए, ईमानदारी से, कुछ भी चाहे हम पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं तो हमें ईमानदार रहना चाहिए। थैंक यू। मैंने सीखा कि सिर्फ PPT कट कॉपी पेस्ट नहीं होता है, उसके अंदर आपको अपना 100% देना चाहिए। इससे पहले मैं जब भी PPT बनाती थी तो कट कॉपी पेस्ट कर देती थी। अब मैंने देखा है कि हम कैसे उसको ज़्यादा प्रेजेंटेबल इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए और साथ में हमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें अपने फॉलो करने चाहिए, और उसके बाद हमें क्या लोगों से फीडबैक भी लेना चाहिए ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सकें। अपने प्रोफेशन की तरफ लॉयल होना चाहिए, क्योंकि जो हम अपने बेसिक प्रिंसिपल्स रखेंगे जब भी हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट अपना आउटपुट दे सकते हैं। सबसे मेन बात सर, मैंने कॉन्फिडेंस वाली बात जो है वो मैं सिर्फ वही बोलना चाहती हूँ कि इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था पहले मेरे अंदर कि मैं सच में बोल पाऊँ, लेकिन अब मैं इतनी कैपेबल हो गई हूँ कि मैं थोड़ा बहुत जैसे मुझसे बोला जाता है मैं वैसा बोल लेती हूँ। सर सीरियसली बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट गर्ल हूँ मैं, मैंने आज से पहले कभी भी शायद मैंने माइक में बोला इतने सारे लोगों के आगे, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था और ये मेरा बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, मैंने सबसे ज़्यादा यही सीखा है सर। झलकाने के लिए जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है, बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ
At this moment, I request everyone to stand up in respect of our beloved nation for playing. A big thanks. कहीं ना कहीं कुछ लोग behind the curtain रह जाते हैं. कहीं ना कहीं हुआ है हमारा. और ये सिर्फ professional नहीं रहेगा. ये उससे भी ज़्यादा होगा. जो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, कहीं और जाऊँ, रिटायर हो जाऊँ, सर विल बी एसोसिएटेड हियर. आई अश्योर यू ऑन योर पार्ट सर. टू प्रोफेसर सुमित गिल फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस ग्रेशियस मूमेंट. सर से बात तो पिछले लगभग 1-2 साल से हो रही थी, बट फाइनली आज वो मौका आया जब हम सब इकट्ठे हो पाए और उसका जो हमने एफर्ट किया उसका आउटपुट बहुत अच्छा आया. तो दिल से धन्यवाद सर आपको, आभार. एंड देन सुनीता मैम हैज़ टू मूव आउट. हार्टफेल्ट थैंक्स टू मैम ऑल्सो एंड डॉक्टर महाश्वेता मैम. आप तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं, आप दोनों प्रिंसिपल ही ऐसे लगते हैं कि इस इंस्टीट्यूट का पार्ट हैं. तो इतना समय निकालने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया. एंड अ न्यू एसोसिएशन विद आवर कॉलेज विच इज़ फॉर्म्ड जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर, एंड आई बिलीव दिस विल गो टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ. डॉक्टर संदीप, प्रोफेशनली वी मीट मैनी पीपल बट सम पीपल टच आवर हार्ट. सर इज बिजी ऑन फोन. करते हैं मेरे से पहले. सो इट्स अ वन ऑफ काइंड एक्सपीरियंस फॉर मी. आज सी आर कॉलेज के प्रिंसिपल, गोवर्ड ब्राह्मण कॉलेज के प्रिंसिपल और तन्ना मल्होत्रा मैम, व्यास कॉलेज के प्रिंसिपल, ऐसा लगता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो गया है जैसे, क्योंकि 3 ईयरली कॉलेज कहे जाते हैं एजुकेशन के. और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे तीनों कॉलेज में ट्रेनिंग करने का मौका मिला, ये मेरे लिए अपने आप सौभाग्य. समय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया. एक छोटी सी कहानी के साथ मैं भी अपनी बात को एंड करूँगा. सर का एग्जीक्यूशन जिसकी वजह से मैं एक वर्ड में कहूँ, एक लाइन में कहूँ, तो आज ये वर्कशॉप जो हो रही है, हमें MDU में लाने वाले जो सर हैं वो सुमित गिल सर हैं. तो एक्चुअली नींव को कभी नहीं भूला जाता, नींव का पत्थर बहुत मजबूत होता है. तो आई सैल्यूट द डेडिकेशन ऑफ डॉक्टर सुमित गिल सर. आज भी मुझे पर्सनल प्रोफेशनल किसी लेवल पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो माई फर्स्ट कॉन्टैक्ट सुमित गिल सर होता है. तो थैंक्स अलोट सर फॉर योर प्रीशियस टाइम. और माई डियर स्टूडेंट्स, आपके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था. यू आर द रॉक स्टार ऑफ दिस वर्कशॉप. डिफरेंट फैकल्टीज कन्वीनर है ना, माफ़ी चाहूँगा अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा. जिनका नाम नहीं ले पा रहा वो शायद दिल के ज़्यादा करीब हैं. गेस्ट ऑफ ऑनर महाश्वेता मैम, गेस्ट ऑफ ऑनर मैम, हमारी अपनी प्रिंसिपल मल्होत्रा मैम, डॉक्टर मैं हटा रहा हूँ क्योंकि समय का आया था वो स्पेसिफिकली इंटरेस्ट. VC सर की प्रेरणा, शुक्रिया. बहुत सालों से हमारा भी मिलना लिखा था यहाँ पे, मगर ये भी एक समय निश्चित था कि फला दिन ही मिलेंगे. उससे पहले बहुत कोशिश की हमने. आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर सुनीता आर्य, डॉक्टर महाश्वेता देवी कि आप लोग आज आए, इसी बारे आपसे भी मुलाकात हो गई. सुनीता मैम से जब मुलाकात हुई तब मेरा करियर स्टार्ट हो रहा था. आई जस्ट फिनिश्ड माई PG, सेकेंड PG, एंड आई वॉज स्टार्टिंग माई करियर ऑफ कंप्यूटर साइंस. And it's good to see the old people who happen to be our icons of that time. मैं सुबह से सोच के बैठा था कि मुझे 15 मिनट में वहाँ पहुँचना है, आधा घंटा मैक्सिमम वहाँ पे लगाना है, और 1:30 बजे वापस पहुँच के लंच करना है, और 2 बजे मैं अपना मीटिंग अटेंड करूँगा. और सारा शेड्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम minute 1 डिस्टर्ब होते होते ये हुआ कि अभी कितने भी बजे हैं और मैं यहाँ पे हूँ. आई एम वेरी हैप्पी टू सी जिस तरह से बच्चे हमारे स्मृति, सोनम, निपुण, आकांक्षा, पूजा और लास्ट पे नेहा कितने फ्लुएंसी के साथ बोल रहे थे. आई विश कि तुम क्लास में भी इतनी फ्लुएंसी के साथ बोलते होगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द प्रिंसिपल हियर, ऑनरेबल डिग्निटरीज, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम एंड ऑल माय फेलो मेट्स. आज यहाँ पे सबने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, शायद कुछ बचा भी नहीं कि मैं और कुछ ऐड करूँ. सर आपकी तारीफ मुझे जितना कहें उतना कम रह जाता है.
आज भी सर ने बताया कि मैं श्री कृष्ण को बहुत फॉलो करता हूँ, कि उनकी वो हर बात ना मेरे कानों में गूंजती रहती है, कि उनकी बात मान लो ना तो बस फिर सब ठीक है। तो सब कुछ कहने के लिए अगर मैं कुछ एक पंक्ति या कुछ लाइन्स में अपनी बात को कवर अप करना चाहूँगा तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जिस पूरी वर्कशॉप में हमने सीखा और इसका कुछ एक सार मैं कह दूँ कि कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, अरे लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हो राह हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। सर आपकी बात राम कृष्ण जी की बात रखेंगे कि अर्जुन सा निशाना रख, तू अर्जुन सा निशाना रख, तू मन में ना कोई बहाना रख, तू मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है तो उसी पर अपना ठिकाना रख, लक्ष्य सामने है तो उसी पर अपना ठिकाना रख, सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर, जो चले थे अकेले, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, और जो करते रहे इंतजार आज उनकी जिंदगी में झमेले हैं, आज करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में झमेले हैं, तो हम कुछ करेंगे आगे बढ़ेंगे तभी हम कुछ साकार कर पाएंगे। सर आपकी 7 डे वर्कशॉप में हमने कितना सीखा, शायद वो कह पाना हमारे पास शब्द भी नहीं होंगे, एंड एवरी टीम मेंबर एवरीवन प्रेजेंट इन दिस रूम इज इक्वली थैंकफुल टू दैट, थैंक यू सो मच। उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस इन दिस वीडियो सर एक्सप्लेन अस अबाउट पीपीटी एनिमेशन फॉन्ट स्टाइल साइजेस हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सर टॉट अस हाउ टू प्रेजेंट विद, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज पूजा सर, सेट योर नेम फर्स्ट लेटर ऑफ नेम एडजेक्टिव इज जॉइन, जैसे प्रीशियस पूजा, प्रेजेंटेबल पूजा, दिस इज स्टोर बाई सर, हाउ टू बी प्रेजेंटेबल ड्यूरिंग सेशन ड्यूरिंग इंटरसेक्शनल सेशन, सर आज सर टोटल आई एम यूनिक, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, विथ प्रैक्टिस वी कैन डिफर फ्रॉम अदर्स एंड प्लेस सर रैंक वन ahead from other. Our four quadrants are also taught by sir, in which introduce yourself, our strength, our weakness, our qualification and additional qualifications taught by sir. Second topic is role play. In this role play, sir asks the student to act as a teacher because we are a dear student. तो हमें बच्चों से इंटरेक्ट करना है, दैट्स वाई सर ने हमें ये रोल प्ले करवाया जिससे हम इंटरेक्ट करना सीखें। एंड सेकेंड डे 8 अक्टूबर 2024 थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स बॉडी लैंग्वेज डिजिटल आइडेंटिटी, टॉपिक 1 जनरेशन अल्फा, सर टॉट अबाउट हाउ टू डील विद जनरेशन अल्फा, जनरेशन अल्फा इज स्टार्टिंग बॉर्न फ्रॉम 2010 टू 2025, we have to deal with these students, so we must know how, what's their features, how to interact with them, what's their liking, और हम उन्हें education के लिए कैसे encourage कर सकते हैं। Here some interactive videos, sir make 4 groups, that is group 1 present your topic on generation alpha, same by group 2nd, 3rd, 4th, are presented by groups about generation alpha. A ball activity is done by sir. This is an interactive session plus a fun activity, so students are encouraged to talk to whole class in front of all. Day 3rd, 9 October 2024. Sir taught us importance of presentation, how to be presentable while delivering a lecture. Then plant giving ceremony done by our honorable principal ma'am and professors to express warm welcoming to our chief guest and trainers. This 7-day workshop advertised also in newspaper. Let's start with introducing our associate Madhra and prayer of and hardworking teacher and my ambitious college mates. I wholeheartedly welcome you all in this beautiful afternoon. My name is Pooja Sharma from B.Ed. second year.
As sir told about some hidden areas such we do not know before, like effective teaching methods and also some fraud scams doing in the social media, and how to make effective PPT and also make resume, how to make an effective resume event. And in this, and I am embarked on incredible learning journey together, and now I'm very excited to speak because I learned lots of things from this session, and it's such a beautiful session I had ever learned. Initially, I was thinking about a workshop. This workshop had many appreciation in my mind, but holding back the teachers when I was come to life and creativity get a chance to shine. With great respect and profound regards, respected principal ma'am, hardworking teachers, and my ambitious college mates, I wholeheartedly welcome you all in this beautiful session. My name is Nipun Sharma from B.Ed. second year. I'm truly honored to have the opportunity to express gratitude for the amazing personality development and professional grooming workshop by Dr. Sandeep Suneja that we have just completed. First, I like to extend a big thanks to the teachers who made this event possible. Your hard work behind the scenes, from planning and coordination to ensuring everything ran smoothly, is sincerely obliged. I want to express my sincere gratitude to Dr. Sandeep Suneja for conducting such an impactful and engaging workshop. I had an incredible experience by attending this workshop. The sessions were well structured, engaging, and filled with the practical insights that I can only apply both professionally and personally. Dr. Sandeep Suneja were knowledgeable, approachable, and created an interactive learning environment where everyone felt encouraged to participate. Attending this workshop was one of the best decisions I made for my self-improvement journey. The topic was relevant, the activities were engaging, and Dr. Sandeep made sure every participant could relate to it and apply the learning to their own present personal growth. Like the other day, we tried to introduce ourselves with the help of adjective, which taught me how to be spontaneous, how to represent myself. And thanks to all esteemed guests, our honorable principal ma'am, teachers, and all my friends. I feel honored to stand here today and express our deepest gratitude to Dr. Sandeep Suneja sir, who has truly left an incredible impact on all of us. Sir, your motivational and inspirational approach has sparked a new fire in each of us. You have taught us the importance of soft skills, from effective communication to time management, and show us how these are not just tools success in our careers, but essential for personal growth also. Over the past days, I have learned so much from you, not just about soft skills, resume building, creative impact. प्रेजेंटेशन को देख के संदीप सर के एफर्ट्स साफ दिख रहे थे कि आपने किस मेहनत से आपने बोला और किस तरीके से प्रेजेंट किया. थैंक यू वेरी मच. नाउ हाउ. हाउ मींस व्हाट इज द वन लर्निंग दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम दैट टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ मींस विल यू इंप्लीमेंट इट इन योर रियल लाइफ, एंड हाउ मींस हाउ विल यू इंप्लीमेंट इट. देयर आर सो मेनी थिंग्स. Throughout this session, I really felt by producing Tomorrow's Dream. On day 1st and day 2, we came to know about please don't try to complicate things, and do not try to copy others, and just have patience and believe in yourself. We came to know about the power of teamwork and how a person is unique in their own way. We did a small activity where we have to draw something randomly. And guess what we have drawn? This is what I have drawn. Smiles, mountains, flowers, butterflies. And surprisingly, this is all what we have drawn. This reflects that we all are surrounded by small little happiness. But we still stop my life. Good morning to all the respected guests, respected principal ma'am, teachers, and all my fellow friends. I am Samriddhi from B.Ed. first year, would like to thank you all for giving me this opportunity to stand here and express myself on about how I felt about this workshop.
Firstly, I would like to start by saying that Sandeep sir, who is our trainer for this workshop, so your enthusiasm and dedication towards this workshop is truly commendable. As we all came to know about that, teachers are the gardeners of our life, because a teacher is the one who plants the seed of knowledge, sprinkle it with love, and patiently nurture it with its Dean Professor Sumit Gill, Associate Dean College Branch at DU Rohtak, Sammaniya Atithi Dr. Sunita Arya Madam, Principal CR College of Education Rohtak, Sammaniya Atithi Dr. Mahashweta Madam, Principal God College of Education Rohtak, Respected Principal Madam Dr. Taruna Malhotra, Associate Trainer Dr. Sandeep Ji, and all teaching and non-teaching staff and my dear students present here. मतलब कि जैसे जो आउटफिट्स होती हैं तो ज़्यादातर लोगों में हमने देखा है कि जो आउटफिट्स रिपीट करने में बहुत ज़्यादा उन्हें शायद फील होता है तो अपनी आउटफिट्स को जैसे पहले द स्कर्ट देन उसको जो मतलब साड़ी टाइप में फिर उनको स्कर्ट्स या फिर शॉर्ट्स में हम उनको चेंज कर सकते हैं तो ये बहुत यूनिक भी होगा और रीयूजेबल भी हो जाएगा मतलब मैंने भी ये देखा था कि जैसे घर का पेपर्स होते हैं वेस्ट पेपर्स होते हैं वेस्ट रद्दी होती है तो हम उसको दोबारा से रिसाइकल करके घर पर ही न्यू पेपर क्रिएट कर सकते हैं उसको पानी में से निकाल कर छान कर और दोबारा से उसको एक पेपर की शेप देकर हम एक नया पेपर क्रिएट कर सकते हैं और उसे दोबारा रीयूज कर सकते जिस कंट्री में वाटर शॉर्टेजेस हैं हम उन
कंट्रीज एयरपोर्टिक कैप्सूल के द्वारा उनको भेज सकते हैं जहाँ पर पानी नहीं जा सकता, वहाँ वो कैप्सूल्स जा सकते हैं। तो ये हमारा विजन है और हम इस विजन को एक रियलिटी में बदलना चाहते हैं, जिसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। लगभग 1.5-2 साल से हो रही थी, बट फाइनली आज वो मौका आया जब हम सब इकट्ठे हो पाए और उसका जो हमने एफर्ट किया उसका आउटपुट बहुत अच्छा आया। तो दिल से धन्यवाद सर, आपको आभार। एंड देन सुनीता मैम हैज़ टू मूव आउट, हार्टफेल्ट थैंक्स टू मैम आल्सो एंड डॉक्टर महाश्वेता मैम, आप तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं, आप दोनों प्रिंसिपल ही ऐसे लगते हैं कि इस इंस्टीट्यूट का पार्ट हैं। तो इतना समय निकालने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। एंड अ न्यू एसोसिएशन विद आवर कॉलेज विच इज़ फॉर्म्ड जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर, एंड आई बिलीव दिस विल गो टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ। डॉक्टर संदीप, प्रोफेशनली वी मीट मैनी पीपल, but some people touch our heart.
सर इज बिजी ऑन फोन. Greeting everyone. I am Avni and I am pursuing my BEd from Vash College of Education. I feel myself privileged that I got a chance to be a part of this tremendous workshop. The workshop was remarkable and worthwhile. I learned a lot of new technologies and approaches to cope with the new generation. And as a budding educator, I am excited to implement all these technologies and approaches such as interview handling, PPT presentation, resume making, professionalism in my own career ahead. After this workshop, I learned a lot of new notions and ideas that was unperceived to me till now. And Mr. Sandeep Kumar, the facilitator, was left no stone unturned to make this session interactive enough. The workshop truly exceeded my expectations. Thank you. Hello there, I am Neha, a BEd final year student from Vash College of Education, Rohtak, and I have attended a 1-week workshop on personality development and professional grooming by Mahindra Pride Classroom. Our trainer, Dr. Sandeep Suneja, taught us many amazing stuff, from how your body language describes your first impression to telling different ways of how to be unique. Who could believe that a workshop can be simultaneously effective and enlightening, a perfect blend of productivity and fascination. For students like us who strive for academic excellence and are going to be would-be teachers, this workshop will no doubt prove to be a boon for all of us. We have got a special incentive because we remain a part of a session called Professionalism. The motive of this workshop, Let's Spread Happiness, were continually taken into account. From creating remarkable PowerPoint presentations to video resumes, Sir has given comprehensive guidance to all of us. Thank you to Dandi Foundation and Mahindra Pride Classroom for this wonderful workshop, because I can say that this workshop can lead you from listener to leader and can help you find your true voices. Thank you. Greetings everyone, I am Samriddhi and currently I am pursuing my BEd from Vash College of Education, Rohtak. Firstly, I would like to start by saying that Sandeep So, who is our trainer, saw your dedication and enthusiasm during this training session were truly commendable. As we came to know that teachers are like the gardeners of our lives, because a teacher plants the seed of knowledge, sprinkle it with love and patiently nurture its growth to produce tomorrow's dream. I felt really inspired during your sessions, particularly when you explained complex concepts so easily and clearly. You really involved all of us in this learning process, and your hands-on approach really helped me to retain the material better. On day 1 and day 2, we came to know that please do not try to complicate things, do not try to copy others, and just have patience and believe in yourself. I learned about the power of teamwork and that every person is unique in their own way. The most important thing that I have learned is that it doesn't cost to be happy. We did an activity where we have to draw something that came to our mind randomly. And we all drew the same. That is smiles, mountains, flowers, butterflies and etc. This reflects that the things which make us happy are surrounding us. That's why the theme of this workshop is Let's Spread Happiness. As we are going to be the future teachers, we came to know about the things that influence teachers, and children. And the most important thing is that if you want to mold your students, you have to become a role model for them. The next thing that we have learned is that the power of social media. According to me, the social media is not free because it costs you your focus and your time. If something is free, then you are the product. Whenever you learn something, always conclude 3 things. Wow, now, how. Wow means what is the learning that you have learned from that particular topic. Now means how will you implement it in your real life, and how means how will you implement it. So you have really left a lasting impact on our mind during your training. According to me, a good teacher is like a candle who consumes itself to show the path for others. And thank you, sir, for sharing your light with us during this journey. Thank you.